नमस्कार दोस्तों। प्रेगनेंसी एक ऐसी स्टेज होती है या लाइफ का एक ऐसा फेज होता है जिसमें एक औरत के शरीर में ढेरों बदलाव आ रहे होते हैं, और ये बदलाव ना सिर्फ उस औरत के मूड को प्रभावित करते हैं बल्कि उसकी आंखों में भी बहुत सारे चेंजेस लाते हैं। बहुत बार मेरी ओपीडी में ऐसी औरतें आती हैं जो प्रेग्नेंट होती हैं और वो कहती हैं कि उनको कम दिख रहा है या फिर उनकी आंखों में चुभन हो रही है, जलन हो रही है और वो अपनी आंखों में सूखापन महसूस कर रही है। तो आइए आज इस वीडियो में मैं डॉक्टर पल्लवी मिश्रा गर्भावस्था या फिर प्रेगनेंसी में होने वाले आई चेंजेस या फिर हमारे आंखों के बदलाव के बारे में आपको जानकारी दूंगी। मैं आपको ये बताऊंगी कि क्या ये बदलाव नॉर्मल होते हैं या फिर एबनॉर्मल होते हैं, कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में बताऊंगी कि जो अगर आपको अपनी आंख में महसूस हो तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए, और हमें कब परेशान होना चाहिए और हमें कब इन बदलावों को एज अ नॉर्मल चेंज, एज अ नॉर्मल प्रेगनेंसी चेंज की तरह लेना चाहिए। पूरी जानकारी के लिए मेरे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बाकी लोगों के साथ मेरे इस वीडियो को शेयर करिएगा। आँख से संबंधित या आँख की किसी भी बीमारी से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप मुझे नीचे दिए हुए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। प्रेगनेंसी में हमारे शरीर के हर हिस्से में वाटर रिटेंशन होता है, मतलब जो पानी होता है वो हमारे शरीर में जमा होता है। जैसे कि आपने बहुत कॉमनली देखा होगा कि जो औरतों के जो पैर होते हैं उनमें सूजन आ जाती है, या चेहरे पे थोड़ी पफीनेस आती है, चेहरा थोड़ा भरा भरा लगने लगता है, और इसी वाटर रिटेंशन की वजह से जो हमारी आंखें होती हैं उनमें रिफ्रैक्टिव एरर आने लगता है, मतलब कि जो हमारा चश्मे का नंबर होता है वो बदल जाता है। अगर पहले से आप चश्मा लगा रहे हैं तो उसका नंबर बदल जाता है, और अगर आप चश्मा नहीं लगाते हैं तो मरीज को चश्मा लग जाता है, आंखों से धुंधलापन दिखाई देता है। एक कॉमन समस्या लेकर जो औरतें आती हैं वो यही होती है कि हमें आंखों से धुंधलापन दिख रहा है। ये जो चेंजेस होते हैं ये अधिकतर डिलीवरी के बाद ठीक हो जाते हैं, लेकिन अगर ये परसिस्ट कर रहे हैं तो आपको अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अब कब तक आपको इंतजार करना चाहिए इन चेंजेस का नॉर्मल होने में? तो अगर आप पहले से चश्मा लगा रहे हैं तो कम से कम 6 से 9 महीने का इंतजार करिए, उसके बाद भी अगर आपको अपने चश्मे के साथ धुंधलापन दिख रहा है तो आप अपने चश्मे का नंबर बदलवाइए। प्रेगनेंसी एक बहुत ही डायनेमिक स्टेट होती है, एक औरत की मूड में बहुत सारे चेंजेस आते हैं जो उसके पति लोग झेलते हैं, और बहुत सारे ऐसे हार्मोनल चेंजेस आते हैं जो उसकी बॉडी और उसकी आंखें झेलती हैं, और इन्हीं हार्मोनल चेंजेस की वजह से जो हमारे आंखों के जो नेचुरल टीयर्स होते हैं, जो आंसू होते हैं, वो कम बनते हैं, और जब ये आंसू कम बनते हैं तो उसकी वजह से हमें आंखों में सूखापन लगता है। जैसे कि जब सर्दियों का मौसम होता है तो हमारी जो त्वचा होती है, जो स्किन होती है, वो बहुत सूखी लगने लगती है। हम जब उस पर हाथ ऐसे फेरते हैं या फिर अपना अपने हाथ से उसको टच करते हैं तो हमें बहुत ही दर्दरी सी फीलिंग आती है, बहुत ही रूखी रूखी सूखी सूखी सी फीलिंग आती है। तो कुछ ऐसी ही फीलिंग प्रेगनेंसी के टाइम में बहुत सारी औरतों को अपनी आंखों में आती है, और ये वजह होती है जो नेचुरल टीयर्स होते हैं उनके अभाव की वजह से। ये तो बात हुई कुछ ऐसे आंखों के चेंजेस के बारे में जो नॉर्मल होते हैं, बहुत सारी औरतों को होते हैं, और एक अच्छी बात यह है कि ये पूरी तरीके से रिवर्सिबल होते हैं, मतलब ये कि आंखों में कोई भी परमानेंट डैमेज नहीं छोड़ते हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी सीरियस दिक्कतें हो सकती हैं जो आपकी आंखों की पर्दे को या फिर आपकी आंखों की निगाह को लाइफ लॉन्ग परमानेंट डैमेज कर सकती हैं, जैसे कि डायबिटीज। डायबिटीज उन औरतों के लिए जिनको प्रेगनेंसी के पहले से है, या फिर अगर प्रेगनेंसी के समय में आपको डायबिटीज अगर डेवलप हुई है तो वो बहुत जल्दी जल्दी प्रोग्रेस करती है, और उस डायबिटीज की वजह से जो आपके पर्दे में जो बदलाव हैं वो भी बहुत जल्दी जल्दी होते हैं, और वो आपकी आपकी आंख को परमानेंट डैमेज कर सकते हैं। आंख की जो पतली पतली नसें होती हैं वो बहुत जल्दी जल्दी फट सकती हैं, आपकी आंखों का जो पर्दा है वो हमेशा के लिए खराब हो सकता है। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो आपकी जो शुगर का लेवल है, जो आपकी डायबिटीज की जो स्टेट है, वो पूरी प्रेगनेंसी में स्ट्रिक्टली कंट्रोल रहे। अब बात करते हैं कुछ ऐसे गंभीर लक्षणों की जो अगर आपको अपनी आंख में महसूस हो प्रेगनेंसी के समय में, तो
तो आपको उनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए और तुरंत आपको अपने डॉक्टर को या किसी आई स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। जैसे कि आंख की निगाह एकदम से कम हो जाना, जिसे हम लोग सडन ब्लरिंग ऑफ विजन बोलते हैं। उसके अलावा अगर आंख में आपको किसी एक तरफ का क्षेत्र नहीं दिख रहा है, जैसे ऊपर का नहीं दिख रहा है, नीचे का नहीं दिख रहा है, दाएं नहीं दिख रहा है, बाएं नहीं दिख रहा है, तो तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाएं। अगर आंख के सामने बिजली सी चमकती हुई महसूस हो, अगर आंख के सामने एकदम से कुछ उड़ता हुआ मक्खी मच्छर या काला धब्बा सा महसूस हो अपनी प्रेगनेंसी के समय में, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। उसके अलावा अगर विजन में फ्लक्चुएशन हो रहा है, कभी कम दिख रहा है, कभी नॉर्मल दिख रहा है, कभी बहुत कम दिख रहा है, कभी नॉर्मल दिख रहा है, तो इसे हम लोग विजन का फ्लक्चुएशन बोलते हैं। मतलब कि जो आपकी निगाह है उसका उतार और चढ़ाव बोलते हैं। ऐसे स्टेज में भी आपको तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आंख से संबंध में या आंख की बीमारी के संबंध में किसी भी जानकारी के लिए आप मुझे नीचे दिए हुए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।